अंतिम चरण और तीसरे चरण के लिए मतदान आज है और ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। गांधीनगर पिंक पोलिंग स्टेशन से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर इस समय लोग अपने अपने घरों से बाहर अपना कीमती वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, अंतिम चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ साथ मतदान के लिए सभी 7 जिलों में पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने अपने समय पर यहाँ पर पहुंची हैं। और इसी समय आप देख रहे हैं कि लोग भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लाइंस देख पा रहे हैं लोगों की जो बाहर लगी है, पोलिंग स्टेशन के बाहर ये लाइंस लगी है लोगों की, जहाँ पर लोग अपना कीमती वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। यहीं पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। माता जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल उम्र है। क्या नाम है? एलेक्स। आप अपना वोट डाल आई है? हाँ जी। कितना जरूरी होता है एक व्यक्ति के लिए वोट डालना? देश वास्ते जरूरी होता है। जरूरी होता है। आंजी। आपका वोट है, जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं आते हैं वोट डालने, उनके लिए आप क्या संदेश दो? सब जानते हैं आना चाहिए, जरूरी वोट तो जरूरी पाना चाहिए। कितने साल हो गए आपको वोट डालते? हम जी जब के पैसा हुए डालते रहे, तब से वोट डाल रहे हैं। वोट क्या चाहते हैं, क्या तरक्कियां और यहाँ पर होना बाकी है जम्मू कश्मीर में, क्या तरक्कियां हो रही? तरक्कियां तो पुत्र मैनु इतना साथ नहीं है। कीमती वोट जो है वो कास्ट करने के बाद, देखिए उम्र का अंदाजा आप लगाएं, 70 साल माता जी की उम्र है, फिर भी अपना कीमती वोट कास्ट करने अपने अपने घरों से बाहर आए हैं। तो जितने भी युवा इस समय इस खबर को सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने घरों से बाहर आए, खासकर जिनकी पहली बार जो अपना वोट डालेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर लोग जो है वो कतारों में लगे हैं, यहाँ पर वोटिंग जो है अभी फिलहाल के लिए कतारों में देखे लगे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ साथ ये तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा का आज तीसरा और आखिरी चरण है, जिसके बाद अभी सत्ता की चाबी इस चरण के ही परिणामों से निकलकर सामने आएगी। सबसे अधिक 40 सीटों पर इस अभी फिलहाल जो मतदान है वो होने हैं, 40 सीटों पर इस चरण में मतदान होंगे। और इसी के साथ साथ अभी आपको मैं फिलहाल ये भी बता दूं कि ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, कुल 39.18 लाख मतदान जो है वो 415 प्रत्याशियों के किस्मत का भाग्य का फैसला करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर कतारों में लगी महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो कि वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैम क्या नाम है आपका? शीतल। आप वोट डालने आए हैं, पहली बार डाल रहे हैं? पहले भी डाल रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी डाल दिया। तो कितनी एक्साइटमेंट थी कि जल्द से जल्द चुनाव आए, हम अपना वोट कास्ट करें? काफी एक्साइटमेंट थी। क्या नाम है सर आपका? मैडम पूर्णचंद। सर आप वोट डालने आए हैं, कितनी देर से इंतजार था चुनावों का कि चुनाव आए और हम अपना वोट डालें? 10 साल से रुके हुए, शुक्र है परमात्मा का, हमारी स्टेट आगे बढ़े, हमारी प्रगति हो, देश की प्रगति हो, हमारी स्टेट की प्रगति हो, देश बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। और मोदी साहब ने ऐसा किया है कि अपने हिंदुस्तान की पहचान पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में फैला दिया। आप ये बताएं कि जो लोग घरों से बाहर नहीं आते हैं वोट डालने के लिए, उनका क्या क्या मैसेज उनको देना है? तो मैं बहुत गलत समझता हूँ उनको, क्योंकि वोट एक हमारा हक है, आना चाहिए उनको, अपनी युक्ति बतानी चाहिए कि कौन अच्छा कौन बुरा है, उसके पता चल जाता है। जीवन। आपका क्या नाम है? रोहित। आप पहली बार आए वोट डालने? कितनी एक्साइटमेंट है? पहली बार की तो बात ही अलग होती है, तो कितने एक्साइटमेंट है? तो आप मुझे बताएं कि आप इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द इलेक्शन आए, इस बार मैं भी वोट डालूंगा, 18 प्लस हो गया हूं? इंतजार कर रहा था। तो जो पहली बार वोट डालने आए हैं वो भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वो समय आ जाए और हम भी अपना अपना कीमती वोट कास्ट करें। तो अभी तक के लिए मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको पिंक पोलिंग स्टेशन से दिखाई हैं, जो कि स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे महिलाओं के लिए भी, और ये तस्वीरें लगातार अपने अपने स्क्रीन पर देखिए। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे अर्ली टाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।